ਦਾਮਣਾ ਜੋ ਫਟਿਆ ਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੋ ਆਇਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਜਾਊਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਦਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲਡ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਅਥਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ये तस्वीरें चंडीगढ़ से सीधा आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय खबर के फेसबुक पेज पे। चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ के पीजीआई में एडमिट पिछले दिनों से चल रहे मिल्खा सिंह ने शुक्रवार देर रात कोरोना से हार कर अपने प्राण गंवा दिए। मिल्खा सिंह 91 वर्ष के हो की उम्र में जिन्होंने अपने प्राण जो है वो गंवाए हैं। स्वर्ग कहा जा सकता है कि एक गौरवमय इतिहास के राजा और एथलीट गेमों में एक एथलीट के तौर पर जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड जो हैं वो कायम किए आज दिन तक ऐसे रिकॉर्ड जो कोई भी तोड़ नहीं पाया भारत में। ये आप देख पा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के बाद किस तरह से जो
एक अंतिम क्रिया जो होती है अंतिम संस्कार के वक्त, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ आपके सामने चल रही है। इसके साथ ही उनके आसपास खड़े उनके परिजन, जिनके आँखों में दुख के जो आंसू हैं, जो दुख और परिजन यहाँ पर खड़े हैं, फिलहाल यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ जिस तरह से जो सलामी है वो यहाँ पर दी जा रही है, ऐसा राजकीय सम्मान जो देश के गौरव, देश के इतिहास कहे जाने वाले मिल्खा सिंह कोई जो आज दी जा रही हैं। कुछ दूरी पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केंद्र से खेल मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, साथ ही साथ और कई नेता जो है अंतिम संस्कार की जो यात्रा थी उसमें घर से ही यहाँ तक आए हैं। रात से ही देखा जा रहा था जब ये खबर सामने आने लगी थी कि मिल्खा सिंह का देहांत जो है वो हो गया है, तो उसके बाद से ही उनके चहेते, उनको अपना आदर्श मानने वाले वो लोग दुखी, उनका दुख था वो आप देख पा रहे थे। उनसे मिलने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए सभी वहाँ पर उनके घर में मौजूद थे, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अंतिम संस्कार पर और उनके देहांत के बाद उनका अपना जो वो शोक था वो व्यक्त किया उन्होंने। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव भी आई थी, मगर इसके बावजूद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था, उन्हें पीजीआई के कार्डियो सेंटर में रखा गया था। मिल्खा सिंह 17 मई को कोरोना रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव बताया जा रहा है पाई गई थी, उसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में भी भर्ती करवाया गया। उसके बाद कई बार ये भी सुनने में आया कि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन कोरोना रिपोर्ट बुधवार को नेगेटिव आने के बावजूद कमजोरी के कारण उन्होंने अंतिम सांसें ली। फिलहाल जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो अंतिम प्रक्रिया है शमशान घाट में वो कैसे यहाँ पे की जा रही है, जो उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो यहाँ पर लकड़ियाँ लेकर खड़े हैं और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि किस जो सारा का सारा माहौल है वो कितना ज़्यादा दुखमयी, जो यहाँ तो आप देख रहे हैं, इसके साथ ही जो पूरा देश है और स्पोर्ट्स जगत के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी एक दुख में, मिल्खा सिंह के जाने का जो दुख है उसमें डूबे हुए हैं।
हाँ हाँ ठीक है।
भाई जी उत्तर जी टुट जाना है, उत्तर जी इतना टुट जाना। देखिए अनमोल
ਹੈ।